के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सारा यको आज क्रॉसवे टीवी डॉन डिवोशन प्रोग्राम में आप सबको वेलकम कहती हूँ। इस बात की शुक्रगुजार ही करते हैं और सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आज हमारा टॉपिक है खुदा पर भरोसा और यकीन। यकीनन मेरे अजीजों, जब हम खुदा पर तवक्कल, भरोसा, ईमान रखते हैं, मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में आते हैं और बेशुमार गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी में कायम होती हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जिंदगी में खुदा की हजूरी में मामूरी हासिल करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमेशा अपने ईमान में मजबूत रहें और अपना जलाल से भरें, खुदा को अपने निजात दहिंदा को पुकारें, क्योंकि वही हमारा निजात दहिंदा और हमें बचाने वाला है। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से क्या ही खूबसूरत वाजिया किया गया है मेरे और आपके लिए। आज हम खुदा के कलाम में से बहुत ही खूबसूरत बातों को देखेंगे जिसके वसीला से आप बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आइए मेरे अजीजों, हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे जबूर 18 उसकी 6 आयत। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपने हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी पुकारों पर ध्यान देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें हमेशा मुश्किल और परेशानी में हमारा साथ देता है और हमें अपना बरकत भरा हाथ बढ़ा कर हमें बचाता है। और सबसे ज़्यादा ये कि हमें सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं बल्कि खुदा हमें हर वक्त हमारी मदद को तैयार रहता है। आपके लिए यकीन दहानी की बात यह है कि आप खुदा के ईमान में मजबूत रहें, आप उसमें भरें और उस पर तवक्कल करें, क्योंकि हम दुनियावी तौर पर देखें तो हम दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम तवक्कल करते हैं, हम गैर मबूदों में जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात परेशानियों में ले लेते हैं। लेकिन जो हमारा निजात दहिंदा है, हमारा जिंदा यीशु प्यारा खुदावंद है, हम उसकी तरफ रुजू नहीं करते। तो देखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं मुसीबत में मैंने उस खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की और उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी। बेशक खुदा अपनी हैकल में, जब हम अपनी उसको पुकारते हैं तो उसकी हैकल में हमारी फरियादें, हमारी मिन्नतें, हमारी इल्तिजाएं खुदा के हजूर में पहुँचती हैं। तो इस बात पर ईमान रखिए और खुदा पर भरोसा रखें, तभी आपकी ज़िंदगी में जलाली काम होंगे। तो आइए मेरे अजीजों, हम देखते हैं, तो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 7 बाप और उसकी 7 आयत। लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे वो उसे पत्थर दे, और अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आप बाप आसमानी जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। आमीन। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा हमारा नजात दहिंदा, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, हमें सांसें दी, और खुदा हमें क्यों ही ना अच्छी चीज़ों से नवाजेगा। जब आप माँ बाप होने के नाते, बहन भाई होने के नाते अपने घर में आराम और राइश रखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, अपने बच्चों को दुनियावी चीज़ों से उनको लाकर देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं हर चीज़, तो जब हमारा रूहानी बाप जिसके हम बेटे और बेटियां हैं, तो वो क्यों ना हमें अपनी ढेरों बरकत से नवाजता है। और आप जानते हैं
कि हमारे मांगने से पहले ही हमें खुदा जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, और जब हम खटखटाते हैं तो हमारे वास्ते खुलता है। लेकिन हमें ईमान की ज़रूरत है, हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप खटखटाएंगे तो आपके वास्ते खोला जाएगा, और जब आप मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यीशु मेरा खुदावन आसमान के दरीचे खोल कर अनायत करता है। इस बात पर ईमान लाएं और खुदा की ज़िंदगी में, खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा, और आप जलाल से मामूर होंगे। क्योंकि जब हम जलाल से मामूर होते हैं और उसमें उसके नाम में भरते हैं, तो यकीनन हम बरकत के बायस बनते हैं। मैं ईमान रखती हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से, इस कलाम के वसीला की, खुदा के कलाम की बातों के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दें, आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और आप अपनी ज़िंदगी में भरें और तरक्की करें, और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। और हमारे क्रॉसवे टीवी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।